अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो किसी महंगे से महंगे कोर्स से कम नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बातें सीखेंगे कि 24 घंटों में कैसे मैं आज आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा अगर 24 घंटों में 6 लाख मिनट और 10,000 फॉलोअर्स के, देख लें 0 लाइक्स 0 फॉलोअर्स हैं, और इस तरह की बातें आपको कोई 7-8 हज़ार वाले कोर्स में भी नहीं बताएगा। तो मैं आपको ये पेज पहले सारा दिखा दूंगा, वीडियोस में भी जाके आप देख लेंगे, 0 वीडियोस में फिलहाल इस पर कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ हुआ। और मैं अगर मैं आपको डेट एंड टाइम दिखा दूं तो 8:49 PM हो रहे हैं, और उसको भी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं कि 8:50 हो रहे हैं और अब हम इस पर काम शुरू करने लगे। तो ये सारा पेज है, इसी के ऊपर हम काम शुरू करेंगे। तो अब हमने करना क्या है, मैं फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है जो इंडियन आइडल 14 मार्च का एपिसोड है, इसको मैं लाइव चलाऊंगा अपने एक पेज के ऊपर, अपने पेज के ऊपर लाइव चला के अब मैं इसके ऊपर ऑडियंस इंगेज करूंगा। तो मैं गो स्ट्रीम पे जाके इसके ऊपर मैं लाइव चला लूंगा। गो स्ट्रीम का मेरे पास तो बेसिक वर्जन है, आपके पास अगर बेसिक नहीं है तो आप इसको दूसरे वर्जन पे भी, जो फ्री वर्जन है उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो मैं इस तरह इसको गो स्ट्रीम के ऊपर लाइव चलाना लगाऊँ, एट डेस्टिनेशन में जाके अपना मैं यही पेज इसके ऊपर डालूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इधर से जाके मैं अपना ये टॉप ट्रेंड वाला पेज डाल देता हूँ। टाइटल में मैं लिख दूंगा कोई भी टाइटल, जैसे फॉर एग्जांपल द सिंगिंग शो फुल एपिसोड, इस तरह करके कोई भी हम टाइटल डाल देंगे। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ होती है कि अगर आप इंडियन आइडल, मतलब कि कोई भी आप अगर शो लाइव कर रहे हो, शो का अगर आप नाम डालते हैं ना तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं और वो इस तरह काम ख़राब हो सकता है। हमने फुल सेफ एंड सिक्योर रहकर काम करना है। तो हमने ये डाल के हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी सी देर की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो होगा वो लाइव स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ही जाके आपको समझ आएगी। तो ये हमारा जो है वो प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट होगी है। तो आप ये पेज पर नज़र डाल लें, अभी तक कोई भी वीडियो नहीं अपलोड, कुछ भी नहीं है, 0 लाइक 0 फॉलोअर्स हैं, और अभी हम इसके ऊपर सारा काम शुरू करने। तो अभी हम जाते हैं और जाके मैं आपको इधर जाके हम देखें कि यहाँ पे हमारी अब इससे स्ट्रीमिंग देखें हमारी स्टार्ट होने शुरू हो गई। तो हम जाके सिंपली अपने लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें जो हमारी जो लाइव वीडियो है वो हमें देखने को मिल जाएगी कि हमारी लाइव है। तो मैं इसको कॉपी करके अपनी दूसरी आईडी में ले जाता हूँ जहाँ से मैंने शेयरिंग करनी है। तो आपने सेम आईडी से नहीं शेयरिंग करनी, जहाँ पे आपने ये एपिसोड लगा दिया आप उधर से शेयरिंग कर रहे हैं, वो फेसबुक आपको पकड़ लेगा। अब मैं दूसरी आईडी पे अपनी जा रहा हूँ, दूसरी आईडी पे जाकर मैंने पोस्ट करके इधर दूसरा ब्राउज़र मैंने खोल लिया है, उसके ऊपर मैंने ये लिंक मैं डाल के मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जब ये लिंक खुल जाएगा तो इसी तरह से मैं थोड़ी सी इस पर शेयरिंग करूँगा ताकि थोड़े से व्यूअर्स इंगेज हों, और जब वो व्यूअर्स इंगेज होंगे उसके बाद भी अभी आप आगे सारा देखें। और ये आज लाइव में आपको इसके सब कुछ कंप्लीट करके दिखा के ये पेज मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये लाइक करें पहले वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट करें कोई अच्छा सा ताकि पता लगे कि इंगेजिंग है, मतलब इंगेजिंग। मैं एक एज अ व्यूअर आ रहा हूँ इसके ऊपर, एज अ व्यूअर आके मैं इसके ऊपर शेयरिंग करने लगा। तो मैं शेयर पे दबा देता हूँ, शेयर पे दबाने के बाद मैं मोर ऑप्शन में जाके शेयर टू ग्रुप करता हूँ। अभी तक देखें इसके ऊपर सिर्फ एक व्यूअर है जो मैं देख रहा हूँ सिर्फ, लेकिन जब मैं इसको डिफरेंट ग्रुप्स में 3-4-5 ग्रुप्स में मैं इसको शेयर करूँगा तो डेफिनेटली इस पर व्यूअर्स आना इंगेज हो जाएंगे। तो आपने करना क्या, आपने सिर्फ 3 से 4, नेट थोड़ा स्लो है, आपने सिर्फ 4 से 5 ग्रुप्स में इसको शेयर करना, ज़्यादा आपने शेयरिंग नहीं करनी कि धड़ाधड़ आप शेयर पर शेयर कर रहे हैं, ऐसे काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमने जो जितने भी काम करने हैं हमने सेफ एंड सिक्योर रह के करने हैं, हमने ना अपना टाइम ज़ाया करना है ना ही हमने अपनी मेहनत ज़ाया करनी है। तो जितनी क्योंकि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, खाना ज़्यादा खाते हैं तभी वो नुकसान दे, खाना कम खाते हैं तभी वो नुकसान दे, तो हर चीज़ को एक लिमिट में रह के करना है। तो 3 ग्रुप्स हमारे हो गए हैं, 2-3 और में हम कर देते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो एक ये वाला ग्रुप जो है ओके गॉट इट पोस्ट कर देते हैं। अब ये देखें 5 व्यूअर्स आ गए हैं। अब आस्ता आस्ता देखेंगे आपके कितने, अब 11 से अब ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे व्यूअर्स, और जैसे जैसे कि मल्टीप्लाई होंगे वैसे वैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और वैसे वैसे हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, और जब हमारे वीडियो रिकमेंडेशन चलेगी तो हमारे ये सारा कुछ एक दिन में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जी 48 हमारे पास आ गए हैं इसके व्यूअर्स, और एक आखिरी ग्रुप में अभी और शेयर कर देते हैं अगर मिलता है, तो नहीं मिला चलें। बाकी अब हमारे पास 75 व्यूअर्स आ गए हैं, 75 बंदे हमारी इसको देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने पेज के ऊपर, पेज को जाके रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि इधर क्या हुआ है। तो
एक दो मिनट हम हमारी लाइव को चलते हुए हो गए और जाके देखते हैं कि कितने व्यूअर्स इंगेज हो गए हैं। तो जी 96, 111 मतलब व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, आस्ता आस्ता बढ़ते जा रहे हैं। मैंने 5 शेयर्स किए थे अब तक, सिर्फ 5 ही अभी तक बंदे किसी ने शेयर नहीं किया, लेकिन आप आस्ता आस्ता देखेंगे 3 मिनट हो गए 126 व्यूअर्स आ गए हैं और कि ऐसे ऐसे काम चल रहा है। अब 20 मिनट हो गए हमारी लाइव को, अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश मैंने कर लिया, मैं इसको नीचे करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 20 मिनट पहले 23 मिनट पहले मैंने लाइव की थी और 1100 बंदा देख रहा है। 1100 बंदे में से आप देख सकते हैं कि 186 शेयर्स हैं और 186 रिएक्शन और 49 शेयर्स, और लोग शेयर्स कर रहे हैं इसको डिफरेंट ग्रुप्स में। जब लोग डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो वैसे ही ज़्यादा ऑडियंस इसके अंदर ये जो ना शुरू हो जाती है। तो ये देखें, ये सारे लोग शेयर कर रहे हैं, मैं कोई शेयर नहीं कर रहा। और यहाँ पे आप देखें, अगर मैं आपके इसके फॉलोअर्स दिखाऊं तो फॉलोअर्स भी हमारे पास 291 फॉलोअर्स अभी तक आ चुके हैं। 20 मिनट में हमारे पास 291 फॉलोअर्स आ गए, 15,000 लोगों तक ये रीच चली गई है और तकरीबन 311 इस पर इंगेजमेंट्स आ गए और लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। तो जी हम दोबारा से आए अपने पेज के ऊपर, यहाँ पे हमारे 50 मिनट हो गए चलते हुए और यहाँ पे हम देखते हैं कि 642 हमारे फॉलोअर्स हो गए और यहाँ पे 1300 बंदा हमारी लाइव को देख रहा है और यहाँ पे 40,000 लोगों तक ये रीच होगी और ये 6,000 इसके तकरीबन इंगेजमेंट्स हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक और वीडियो मैंने देखी है वो हम इसके ऊपर एक और लाइव करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और मीठा डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो कम टाइम में हुई है और ये अच्छा परफॉर्म की है। तो उम्मीद है कि जब ये हमारे पेज पर जाएगी तो ये उससे बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, हमें ये लग रहा है, हमें ये ख्याल आ रहा है कि इससे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो हम सिंपली इसको भी हम लाइव स्ट्रीम कर देते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या आते हैं इंगेजमेंट, क्या व्यूअर्स आते हैं। तो हम इसको सिंपली उसी अकाउंट से जाके इसको हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो ये अब हम इसके ऊपर भी कोई भी आप टाइटल डाल दें, जो भी आपने डालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने वीडियोस ढूंढनी है फेसबुक के ऊपर जो अच्छी परफॉर्म कर रही हो, और जो भी वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है उसको ठाक करके अपने पेज पे लगाएं और अपने पेज का वॉच टाइम और फॉलोअर्स कंप्लीट कर लें। तो ये मैंने प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया और ये अभी इसकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वही सेम स्टेप हमने, जब इसकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी तो हमने जाके टोटल 5 ग्रुप्स में हमने इसको शेयर कर देना, ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं करना, सिर्फ 5 ग्रुप्स में शेयर करना है। और 5 ग्रुप्स में शेयर करने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो सेम वही हम इसका कॉपी करके हम वापस चले जाते हैं अपने उसके ऊपर और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और बार बारिश शुरू हो गई है इसी खुशी में, और ये देखेंगे हमारी लाइव स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हम शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं इसको। मतलब आप शेयरिंग करने से पहले आपने एक लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि फेसबुक को लगे कि आप एज अ व्यूअर जा रहे हैं। और थोड़ा दिमाग से काम लेना है, और जैसे और जितना आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह दिमाग दिया आप देखना, उससे ज़्यादा हम जो मैं कर रहा हूँ मुझसे भी अच्छा आप करके, आप 24 घंटे के आप 12 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करके बैठे होंगे और आप फिर अपना पेज को बाहर से एडमिन डाल के आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो 2 ग्रुप्स हमारे हो गए हैं, तो तीसरा ग्रुप ये कर देते हैं और चौथा ग्रुप पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, चौथा ग्रुप। और अब हम अपना पांचवा ग्रुप भी डाल देते हैं, पांचवें को रहने देते हैं, इसको हम पॉज करते हैं। पॉज करने के बाद अब हम इधर वेट करते हैं कि लोग कितने आ रहे हैं। तो 23 लोग अभी तक आ चुके हैं फ़िलहाल, और पेज जो है वो हम खोल लेते हैं, पेज पे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 31 लोग इसको देख रहे हैं, फॉलो भी कर लेते हैं ताकि फेसबुक को पता लगे कि बंदा आया, वो फॉलो भी कर रहा है। तो 31 लोग इसको देख रहे हैं और 1300 लोग वही उसी के ऊपर डटे हुए हैं, उसके वहाँ से हिल नहीं रहे उस वीडियो के ऊपर से। और जो कि एक अच्छा जेस्चर है कि फेसबुक इस तरह हमारी वीडियो को रिकमेंडेशन में ज़्यादा जल्दी। और ये टाइम देख लें, 9:56 हो गए हैं, मतलब तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें ये काम करते हुए, और 1 घंटे में हमें रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा मिला है। और हम पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैं नीचे आके आपको दिखाता हूँ कि फॉलोअर्स के देख लें, 777 एक घंटे में 777 फॉलोअर्स। और ये देखें इसके ऊपर भी लोग इंगेज होना शुरू हो गए हैं, 241 लोग इसको देख रहे हैं फ़िलहाल, और इसको 1500 लोग इसके ऊपर आ गए हैं, और हमारी इंगेजमेंट्स और शेयर्स और लोगों की तरफ रीच भी हमारी अच्छी खासी चली गई है। तो ये देखें 278 पीपल्स इसको देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा गेस्चर है कि दोनों वीडियोज़ अगर रिकमेंडेशन में चली जाएँ तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए, हमारे पेज के फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए। अभी आपके सामने ये 777 पीपल फॉलो करते हैं, ने फॉलो किए 1 घंटे में। और मज़े की बात, जब आपकी लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी और जब ये प्री रिकॉर्डेड चलेगी ना फेसबुक के रिकमेंडेशन के ऊपर, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको उधर से होगा।
अच्छा तो टाइम हो गया 10:47 का, 10:47 का टाइम तकरीबन 2 घंटे होने वाले, हमारी जो एक लाइफ थी वो हमारी खत्म हो चुकी होगी। उसके ऊपर देखते हैं क्या, फॉलोअर्स आप देख लें 1665, 1600 से ऊपर 1700 तकरीबन फॉलोअर्स हो गए, और यहाँ पे देखें इसको 177 20,000 लोगों तक ये रीच गई है, तकरीबन 2200 एंगेजमेंट्स, और यहाँ पे 1600 बंदे इसको अभी तक देख रहे हैं, और ये जो है जी इसके ऊपर हमारा 17,000 एंगेजमेंट, मतलब हम ब्रांड कुलाब के लिए तो हम 1.5 घंटे में ही हम लोग अप्रूव हो गए ब्रांड कुलाब के लिए। पीछे रह गए इसकी मैं 223 शेयर्स हैं, और सारे ये लोग कर रहे हैं दबा दबा के शेयर्स कर रहे हैं, और हमने कोई शेयर नहीं किया, हमने सिर्फ 5 शेयर किए शुरू में। तो ये भी एक अच्छा गेस्टर है कि हमसे ज़्यादा लोगों ने शेयर किए, और ये इसके फॉलोअर्स आप देख लें 1665 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अच्छा तो व्यूअर्स लाइव वीडियो हमारी ख़त्म हो गई, और अब हम आ गए अपने क्रिएटर स्टूडियो में, यहाँ पे हम एक वीडियो का उठा के हम लोग उसके देख लेते हैं कि कैसा उसने परफॉर्म किया। तो लोडिंग डाटा में अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पीक लाइव व्यूअर्स 2100 बंदे तक हमारी वीडियो हाईएस्ट गई थी कि 2100 बंदा हमारा वीडियो एट अ टाइम देख रहा था। 1 मिनट व्यू 11,000, मिनट्स व्यूज 1,39,000, और 3 सेकंड व्यूज 40,000 से ऊपर हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब ये जो प्री रिकॉर्डेड चलेगी तो उसके ऊपर हमें और भी फ़ायदा होगा। अब वीडियो आगे तक देखेंगे तो इसे आगे समझ आएगी। अगली ट्रिक जो है वो उसके बाद जब ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो ख़त्म हो जाएगी, जब आप फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब शुरू होगी। अजान हो रही है, बाकी मैं आपको अजान के बाद बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप इसके सारे स्टैट्स वगैरह देख लें, कितने रीच हुए हैं, क्या 3 सेकंड व्यूज़ हैं, और इसको हम बंद करके दूसरी वीडियो अपनी जाके देखते हैं कि दूसरी वीडियो ने हमारी कैसी परफॉर्म की है। तो इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है अभी तक, 10,000 तकरीबन मिनट व्यूज़, 1 मिनट व्यू 2,000, और 10 सेकंड व्यू 3 सेकंड व्यू हमें 9,000 से ऊपर, मतलब तकरीबन 10,000, और पोस्ट के ऊपर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर भी हमें 26,000 लोगों तक इसकी रीच मिली है, और 3 सेकंड व्यूज़ हमें 9,000 मिले, और अच्छा परफॉर्म किया इस वीडियो ने भी। अब ये जब रिकमेंडेशन में जाए, उम्मीद है कि ये वीडियो रिकमेंडेशन में जाए, और जब जाएगी तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब पेज रिफ्रेश करके आपको इसके फॉलोअर्स दिखा देंगे, फॉलोअर्स का क्या हिसाब किताब है। तो इसके फॉलोअर्स जो हैं तकरीबन 2,000 फॉलोअर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पीछे रह गए 8,000 जो कि जो हमारी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो पूरा कर देंगी अगले दिन तक। तो अब हम वेट करते हैं अपने नेक्स्ट डे तक, लेकिन उससे पहले आपको अपना पेज सिक्योर करना है। पेज सिक्योर करने के लिए आप बिज़नेस मैनेजर में जाएंगे, बिज़नेस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना एक अकाउंट बना लेंगे क्रिएट अकाउंट में जाकर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये बना रहा हूँ, नया पेज है तो मैं इसको अपने बिज़नेस मैनेजर में डालूंगा, वो अकाउंट मैंने बना लिया, मैं पेजेस में जाके इसको अब ऐड पेज में जाके अपना पेज में ऐड कर दूंगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पेज सिक्योर हो जाता है, कोई भी आपको, आप अगर किसी बाहर के मुल्क का एडमिन भी डालते हो ना तो वो भी आपको पेज से हटा नहीं सकता। तो मैंने अपना बिज़नेस मैनेजर में अपना पेज डाल दिया, अब मैं इस पेज का ओनर बन गया, अब कोई भी मुझे इस पेज से हटा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम मिल रहा हूँ, पेज हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर देखते हैं हमारे फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, मिनट्स कंप्लीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी में जाके इसके फॉलोअर्स देख लेते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने। फॉलोअर्स आपके सामने 14,336, कोई जादू वगैरह मैंने नहीं किया, जो किया था आपके सामने किया था, आपके सामने इसके ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स इंक्रीज़ किया। तो अब हम चलते हैं अपनी मोनेटाइजेशन के ऊपर, मोनेटाइजेशन के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो इसकी जब हम ऑन करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि 10,000 फॉलोअर्स की कंप्लीट है, 6,00,000 मिनट इसके कंप्लीट हो गए, रह गई हैं तो सिर्फ एक्टिव वीडियोस रह गई हैं। एक्टिव वीडियोस जो आपने लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लगानी है। अब शुरू होती है असल गेम जो समझने वाली, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, बाहर चल के मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझाता हूँ कि कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, और कैसे मैंने ये सब कुछ किया है। अच्छा तो मेरे बाहर आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, और इधर खड़े हो गया हूँ, आपसे बात करेंगे कि आपने जो वीडियोज़ हैं जो आपने लगा देनी है, आपने उसके ठीक 24 घंटे होने से पहले पहले आपने वो वीडियोस डिलीट कर देनी है, ताकि वीडियोस डिलीट हो जाएं और आपके पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। जब आपके पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए कि आप उस पेज को मोनेटाइज कर सकें। आपको ने कोशिश यही करनी है, लालच नहीं करनी कि अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं जी लगा ही रखूँगी, मैं 2 दिन में कर लूँ। अगर नहीं पूरे हुए तो आप वो वाली वीडियोस उतार के नई वीडियो लगा लें, वहाँ से पूरा कर लें, और जो एक्टिव वीडियोस हैं वो आपने जो लगानी है वो आप 5 सेकंड के लगाएं, 10 सेकंड के लगाएं, 15 सेकंड के लगाएं, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आपने वीडियोस जो है वो सिर्फ अपनी लगानी है, अपना वॉइस ओवर आगे पिक्चर्स चल रही है तो वो, या फिर आपका अपना फेस कैम हो वाली वीडियोस आपने 5 लगा के उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, बाहर का एडमिन डाल के उसके ऊपर वीडियो है, आई बटन में जाके आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।